अब खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर पर कसेगा ईडी का शिकंजा। उमर अहमद की संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने में ईडी पूरी तरह से जुट चुकी है और अतीक अहमद ने कई संपत्तियां बेटे उमर के नाम से बनाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ईडी को उमर के नाम पर दर्ज संपत्तियों की जानकारी मिली। फिलहाल फरार चल रहा है 2 लाख का इनामी उमर अहमद की बड़ी खबर। और माफिया अतीक का बेटा उमर अब मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। मोहम्मद गुफरान जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुफरान यानी कि माफिया अब बचेगा नहीं प्रदेश में। एंटी माफिया अभियान किस तरह से रंग ला रहा है उसकी बानगी खबर साफ तौर पर कर रही है और अब माफिया अतीक का बेटा उमर मुश्किलों में पड़ता नजर आ रहा है, क्या जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल अतीक के जिस तरीके से अवैध साम्राज्य को पिछले दिनों योगी सरकार ने ध्वस्त किया और लगातार उसके अवैध संपत्तियों जो बेनामी है अभी भी पड़ताल की जा रही है। ईडी भी लगातार जांच पड़ताल की कर रही है, लेकिन अब ईडी की जो नजर है उमर अहमद जो सबसे बड़ा बेटा अतीक अहमद का है, अब उसके अवैध साम्राज्य पर है, उसकी संपत्तियों पर है। कई ऐसी कंपनियां, कई ऐसी जमीनें, प्रॉपर्टी जो है अतीक अहमद ने उमर के नाम पर ली है, इस बात की जानकारी ईडी को मिली है। ईडी उन संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो खंगालने में जुटी है, लगातार पड़ताल कर रही है कि कहां कहां पर ये संपत्तियां। अभी शुरुआती जो जानकारी ये है कि लखनऊ और नोएडा, इसके अलावा तमाम और शहर है उत्तर प्रदेश के जहां पर प्रॉपर्टीज उमर के नाम से ली गई है, उन संपत्तियों के दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि अब इन संपत्तियां जो उमर के नाम है इनको भी ईडी अपने एक तरीके से हैंडओवर में लेगी, अटैच करेगी, लेकिन उसके पहले एक मुकदमा पंजीकृत करेगी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अतीक और माफिया गठजोड़ रहा है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में, उसके खात्मे को लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। लगातार अतीक के जो गिरोह रहे हैं, उसके गुर्गे रहे हैं, उनके खिलाफ देखना होगा गुफरान कौन कौन से और बड़े खुलासे होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अतीक अहमद ने कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि अपने बेटे के नाम पर की हैं और वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है।